दोस्तों आज आपके लिए लेके आए हैं हम जुक्की DDL9000BMS। दोस्तों ये काफ़ी पुरानी मशीन है, आज आपको दिखाएंगे इसमें हम आपको अगर मशीन आपकी स्किप मारती है उसको हम ठीक करना दिखाएंगे आपको, और मशीन अगर धागा काट रही है वो भी दिखाएंगे आज आपको हम, और दिखाएंगे हुक टाइमिंग भी आपको दिखाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारा वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको भी आएगा हुक टाइमिंग करना, धागा कैसे काटा ठीक करना, स्किप मारा उसको भी ठीक करना, आपको सब कुछ सीखते पाओगे। तो करेंगे हम दोस्तों, आप मेरे चैनल न्यू हो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मैं आपको अच्छा अच्छा वीडियो भेजता रहूँगा। तो फर्स्ट टाइम क्या करेंगे, हमने ये बूट ओपन कर लिया, हमने बूट ओपन कर दिया और फीडर ओपन कर दिया, प्लेट ओपन कर दिया, और दिखाएंगे आपको हम बाहर साइड टाइमिंग दिखाएंगे पहले, बाद में अंदर साइड दिखाएंगे। ये एक हमारे पास शटल है, इसको दिखाएंगे आपको बाहर साइड से। दोस्तों देखिए ये दो है, एक बारहा टाइप में है, नाली टाइप में, ये देखिए ये साइड नहीं लगाना है आपको, ये दो साइड है, ये प्लेन टाइप में है, हल्का सा कटा हुआ है, घाट टाइप घाट है। अब ऐसे हम देखोगे तो हमको क्या करना है, ये होल दिख रहा है आपको, होल इसकी होल पे इधर टाइमिंग करना है, इधर ये होल के ऊपर टाइमिंग करना है, और ये शटल का जो नोक है, ये नोक इसको उन्हें टच करना है आपको, इसको टच करके ये आपको टच करके जाना है, इसमें टाइमिंग करना है, ना बीच में ना ऊपर, ओनली यही करना है, यहाँ 100% टाइम एकदम अच्छा आएगा, इससे आपको ना स्किप मारेगा ना धागा काटेगा ना कोई प्रॉब्लम आएगा। दिखाएंगे अभी आपको हम ओपन करके, तो दोस्तों ये फिंगर गाइड है, ये इसको ओपन करेंगे, ये फिंगर गाइड यहाँ लगता है, इसको हम ओपन करके साइड कर देंगे, और आपको दिखाएंगे हम टाइमिंग दिखाएंगे। देखिए ये हल्का 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 ये टाइमिंग दिखाएंगे अभी आपको, यहाँ पे टाइमिंग करना है, यहाँ पर टाइमिंग करके हल्का सा लूज टाइट देना है नट को, देखिए टाइम ऐसे करना है, ऐसे में ओनली टच है इसमें, देखिए ये दिखाया आपको, ये खाली टच है, और थोड़ा कैमरा आगे कीजिए आप, देखिए ये खाली हमने टच किया है, उसके ऊपर मिडिल के पॉइंट के ऊपर जो होल है उसको टच किया ओनली खाली, देखिए अच्छे से देखिए आप, इसलिए हमने फिर ओपन किया है, और कुछ करना भी हम हल्का ना टाइट कर देंगे इसको, हल्का टाइम टाइट कर देंगे हल्का सा, हमें ना टाइट करते हैं थोड़ा सा इसको, देखिए आप हम दिखाएंगे आपको फिर से एक बार दिखाएंगे आपको, अभी दिखाएंगे फिंगर गाइड बोलते हैं इसको हम, ये क्या करना है, पॉइंट ये पॉइंट है, ये जो बना है हॉल का, ये देखिए फिंगर ऐसे में रहेगा, ऐसे में हमको कहाँ लगाना है इसको, ये देखिए इधर ऐसे लगाना है, उसमें भी शटल में ऐसे भी लगाना है, अंदर शटल जो हुक जिसको बोलते हैं ऐसे इसमें जाना चाहिए, तो हम दिखाएंगे लगा कभी आपको, ये ऊपर साइड दिखा दिया हमने, अभी अंदर साइड दिखाएंगे, ये हमें टाइट कर दिया है, इसको टाइट कर दिया,
अभी ये सेटेड ऐसा नहीं है। इसको हम अच्छे से हम टाइट करेंगे, थ्री स्क्रू अभी अच्छे से टाइट कर देंगे हम। तो देखिए दोस्तों, ये हमने ऊपर साइड दिखाया अभी आपको, अभी हम ऊपर साइड लेके आए हैं, ये हमारा टाइमिंग 100% सही है। अभी देखिए आपको तो ऊपर साइड दिखाया, आपको अंदर साइड दिखाया, ऊपर साइड दिखाया आपको। अगर अच्छे से नीचे से टाइमिंग कर सकते हो तो नीचे से कीजिए, अगर आप ऊपर से कर सकते हो ऊपर से कीजिए। दोनों साइड दिखा दिया हमने और हुक बाहर करके भी दिखा दिया हमने। और अभी हम क्या करेंगे, आपको सिलाई मार दिखाएंगे इसको। तो हम अभी फ्यूजअप लगाएंगे और लगा के दिखाएंगे, सिलाई भी आपको लगा के दिखाएंगे। एक फीडअप लगा रहे हैं हम, देखिए एक फीडअप लगा दिया हमने, फर्स्ट टाइम फीडअप दोस्तों। अभी हमने फीडअप लगा दिया है, अभी फीडअप लगा दिया, अभी आपको प्लेट लगा के दिखाएंगे। ये हमारा प्लेट है, इसको हम लगाएंगे अभी, इसको अच्छी तरह अच्छे से हम लगाएंगे तो लगा के दिखाएंगे। ये अभी हमने आपको प्लेट लगा के दिखाया, अभी आपको लगा के दिखाएंगे, बूट लगा के दिखाएंगे और सिलाई मार के दिखाएंगे। ओके, अभी आपको हम बूट लगा के दिखा दिए, ये बूट लगा के दिखा दिए। हाँ दोस्तों देखिए, अभी हम सिलाई चला के दिखाएंगे आपको, अभी टाइमिंग दिखाया, सब कुछ दिखाया अभी आपको, अभी पूरा मशीन सेट कर दिया हमने, अभी आपको सिलाई लगा के दिखाएंगे, सिलाई लगा के। देखिए दोस्तों, तो अभी सिलाई मार्क दिखाया आपको, देखिए ये हमने सिलाई मार्क दिखाया अभी आपको, अच्छे से हम देखिए आप, इसमें स्किप नहीं है, धागा भी नहीं काटा एक बार, और हुक भी टाइमिंग दिखाया आपको। दोस्तों आप मेरे चैनल न्यू हो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो प्लीज़, हम आपको रोज़ रोज़ अच्छा वीडियो देंगे। आप अच्छे से देखिए, आप अच्छे से देखोगे तो आप भी सीखोगे कि कैसे मशीन को ठीक किया जाता है। अब भी एक मैकेनिक का काम सीखोगे आप, आपको अच्छा जानकारी होगा। दोस्तों आज के वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, थैंक यू, धन्यवाद।